सुनीता ने पूछा है शब्द सुमेलन का मतलब समझ नहीं आया शब्द को पहले समझना होगा शब्द क्या है यहाँ आते हो ध्यान समाधि में अनाहत नाद सुनते हो अनाहत नाद को संतों ने ऋषियों ने बुद्धों ने तीर्थंकरों ने पैगंबरों ने अलग अलग नाम से पुकारा है अनाहत नाथ अनहत नाथ प्रणव उदगीत हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं सदाए आसमानी बांगे आसमानी जीसस कहते हैं लोगस कबीर कहते हैं नाम सत्य नाम सार शब्द गुरु नानक देव जी कहते हैं एक ओंकार सत्य नाम अनेक नाम है भगवान महावीर कहते अपूर्व श्रुत लेकिन ये तुम्हारे आत्मा का संगीत है तुम्हारी आत्मा में गूंज रहा है और पूरे अस्तित्व में गूंज रहा है जब नाद को जानते हो तो अब दूसरा कदम है ये नाद कहाँ पैदा हो रहा है दादू साहब प्रसिद्ध संत हुए राजस्थान के कहते हैं दादू अचेत न हो ये चेतन सो कर चित कहते बेहोशी में मत जियो जो नाद को नहीं जानता वो बेहोश है सीधी बात है होश की परिभाषा और बेहोश की परिभाषा जो नाद जानता है वहाँ से जागरण की प्रक्रिया शुरू हुई जो नाद नहीं जानता है खुद के प्रति बेहोश है अनहद जहाँ थे उपजे खोजो तह ही नित तो पहली बात यह है कि नाद को जानो लेकिन पैदा कहाँ से हो रहा है स्रोत कहाँ है उद्गम कहाँ है ओशु कहते हैं ओंकार हमारा मूल है ओंकार हमारा गंतव्य है ओंकार से दूर निकलते चले जाना नरक है ओंकार के पास सरकते चले जाना स्वर्ग है ओंकार से मिलकर एक हो जाना समाधि है संबोधि है मोक्ष है जब तक ओंकार के स्रोत को नहीं जानोगे तब तक बात नहीं बनेगी तो ओंकार का स्रोत क्या है कबीर साहब कहते हैं बाजे यंत्र मधुर धुन होई। एक यंत्र बज रहा है लगातार बज रहा है निरंतर गूंज हो रही है मधुर धुन पैदा हो रही है जे बजावे से और एक कोई ये बजाने वाला कौन है ये बजाने वाला गोविंद है ब्रह्म है और उसी का अंश हमारी आत्मा है तो जिस अंतर आकाश में ये गूंज रहा है उसको जानना ज़्यादा सरल है गूंज तो बाहर के आकाश में भी रहा है लेकिन वह जानना कठिन है तो पहले भीतर के आकाश को जानो जिसको कहते हैं अंतर आकाश बंद आंखों से जिस शून्य को तुम देखते हो उसको निराकार कहते हैं अगर तुमने देखना जारी रखा तो उसमें गहराई पाओगे थ्री डायमेंशनल है वो उसको अंतराकाश अनेक अनेक नामों से पुकारा है संतों ने दरिया साहब शून्य कहते हैं बुद्ध शून्यता कहते हैं अनत्ता कहते हैं कबीर अमरपुर या मान सरोवर कहते हैं अनेक नामों से पुकारा है लेकिन ओशो उसको अंतराकाश कह रहे हैं खूब गहरा है बाहर का आकाश जितना गहरा है समझ लो उतना भीतर का अंतराकाश भी गहरा है और तुम देखना तुमने जारी रखा तो देखोगे कि वो प्रकाशित है प्रकाश जगमगा रहा है नूर से जगमग है वो कहते हैं राजस्थान के दरिया साहब दरिया सूरज उगिया गया चौदिस भया उजास नाम प्रकाशित देह में तो सकल भरम का नाश। कबीर साहब कहते हैं घट दीपक बरे लखे नहीं अंध है आ लखत लखत लख परे कटे जमबंध है सबके घट में दीपक का उजाला है लेकिन सब देखते नहीं हैं अधिकतर लोग तो आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं लेकिन एक बार तुमने उसको देखा और देखना जारी रखा तो देखते देखते एक दिन तुम जो जो यांत्रिक आवागमन है कर्म के नियम के अनुसार इससे मुक्त हो जाते हो तो पहली बात कि तुमने नाद सुना दूसरी बात तुमने अंतराकाश को जाना तीसरी बात उसके प्रकाशित और आलोकित स्वरूप को तुमने जाना अब ये वृक्ष की तरह है एक जैसे एक वृक्ष में जड़ होता है धड़ होता है डाली होती है पत्ते होते हैं ऐसे ही शब्द एक वृक्ष की तरह है। अब इस वृक्ष में तुमने तीन डायमेंशन जान लिया नाद गूंज रहा है नूर जगमगा रहा है और जो इस दोनों का स्रोत है अंतर आकाश तुमने इसको भी जाना लेकिन ये तीनों अलग अलग नहीं है ये तीनों एक है महर्षि अरविंद कहते हैं प्रकाश के हाथों में बांसुरी आ गई है या ऐसा लगता है कि संगीत जैसे रोशनी से जगमग हो गया है अर्थात नाद ही प्रकाशित हो रहा है और ये प्रकाश में ही गूंज हो रही है ये नाद और नूर अलग अलग नहीं है और जिस अंतराकाश में ये पैदा हो रहे हैं वो अंतराकाश भी अलग नहीं है तीनों एक है जिस दिन नाद नूर और अंतर आकाश की एकता को जान लेते हो तीनों के संगम को जिस दिन जान लेते हो उस दिन तुम शब्द को जान लेते हो शब्द का अर्थ हुआ आकाश प्लस नाद प्लस नूर और तब तुम भी गोरखनाथ की तरह कहोगे शब्द भया उजियाला साधो शबद भया उजियाला शब्द ही प्रकाशित हो गया है और जितने संत हुए जितने प्रकार की साधना की उन्होंने बातें की सबसे ज्यादा बल दिया शब्द साधना पर इसलिए कबीर साहब कहते हैं साधो शब्द साधना कीजिए अगर साधना ही करनी है तो शब्द की साधना करो इसी परसोधारा का ये जो सोलहवें तल का कार्यक्रम शब्द सम्मेलन है वो इसी पर आधारित है और इसमें शब्द साधना कैसे की जाती है इसका रहस्य बताया जाता है जैसनॉ